दोस्तों, एमआई नोट 7 के बाद अब एक्सोमी अपने नेक्स्ट नोट सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी करने वाली है। प्रोबेबली ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त नए फीचर्स के साथ लॉन्च करेगी जो लोगों को काफी पसंद आने वाली है। अगर आप भी एक्सोमी के स्मार्टफोन बहुत पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपको एक्सोमी पसंद नहीं है तो शायद आप इसी स्मार्टफोन को जरूर खरीदेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हाय गाइस, माय नेम इज सनी एंड यू वाचिंग हम टेक। दोस्तों, एक्सोमी अपने नोट सीरीज के साथ हर साल कुछ ना कुछ नया जरूर करती है। जैसे इस साल एक्सोमी पहली कंपनी थी जिसने 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा प्रोवाइड किया, वो भी मिड रेंज के प्राइस सेगमेंट में। इसको देखकर हम यह थिंक कर सकते हैं कि एमआई नोट 8 में आपको बहुत कुछ नया फीचर्स देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो आपको इस बार फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा OnePlus 6T के तरह, जबकि नोट 7 में केवल गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ही मिला था। नोट 8 जीरो बेजल्स के साथ लॉन्च हो सकता है क्योंकि अब मार्केट में जीरो बेजल्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है, तो इसी को ध्यान रखते हुए एक्सोमी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन में ये फीचर्स दे सकती है। बात करें डिजाइन की तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलने वाला है बैक साइड में, जैसा कि आपको एमआई नोट 7 में देखने को मिला था। अगर वही डिस्प्ले साइज की बात करें तो इस बार डिस्प्ले आपको नोट 7 से ज्यादा देखने को मिल सकता है, और अगर वही बात करें स्क्रीन की तो अगर स्क्रीन जीरो बेजललेस होगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा देखने को मिल सकता है वीवो और ओप्पो जैसे स्मार्टफोन की तरह। जैसे कि आपको पता ही है कि रियलमी के अपकमिंग रियलमी एक्स में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसी स्मार्टफोन में भी आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक्सोमी की नोट सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा की, तो इस स्मार्टफोन में आपको मोस्ट चांसेस है कि ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब मार्केट में ट्रिपल रियर कैमरा का काफी ट्रेंड चल गया है। स्मार्टफोन में आपको 48 प्लस 5 प्लस 8 मेगापिक्सल का बैक में कैमरा देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात होगी। अगर सेल्फी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के पॉपअप सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बेहतरीन होने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की चिपसेट की, तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का कोई भी चिपसेट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मिड रेंज के स्मार्टफोन है, तो इस स्मार्टफोन में आपको मिड रेंज का चिपसेट ही देखने को मिलने वाला है, तो इस स्मार्टफोन में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 730 का चिपसेट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, इस स्मार्टफोन में आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इस बार कंपनी आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में दे सकती है, क्योंकि रियलमी ने अपने अपकमिंग रियलमी 3 प्रो में फास्ट चार्जिंग बॉक्स के अंदर ही दिया था, तो इसको देखते हुए ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपको एमआई के अपकमिंग सभी स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिल सकता है। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो ये स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो 15,000 to 20,000 रुपीज के बीच में हो सकती है। और अगर वही बात करें रिलीज डेट की, तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर एक्सोमी ने अपने दो नोट सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, एमआई नोट 5 एंड एमआई नोट 6, तो इसे देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट आपको अगस्त से सितंबर या अक्टूबर के महीने के बीच में देखने को मिल सकती है। स्मार्टफोन सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगी, उसके बाद ही इंडिया में लॉन्च होगी। आगे इसके बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। सो फाइनली दोस्तों, वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप स्माइल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।